कार्यालय कलेक्टर भू अभिलेख शाखा जिला मुंगेली की ओर से भी पटवारी चयन का आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज हम लोग बात करेंगे, जिला मुंगेली ने जो पटवारी प्रशिक्षण चयन के लिए अंतिम सूची जारी की है उसके बारे में। जैसा कि आपको पता ही है कि पिछले दिनों 25/2/2022 को एक परीक्षा का आयोजन किया गया था, पटवारी पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और उसके बाद उसके लिए एक परीक्षा हुई थी। परीक्षा के बाद चयन सूची जारी की गई और जिलेवार रिक्त पदों के आधार पर उसमें नियुक्तियां की जा रही हैं ताकि वो प्रशिक्षण ले सकें। और एक और ये जानकारी है कि 1 जनवरी 2023 से ये आरंभ किया गया है प्रशिक्षण सत्र। तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि जिला मुंगेली ने जो लिस्ट जारी की है ये अभ्यर्थी भी इस सूची में शामिल होंगे और इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। पूरे पत्र में जो आदेश है उसको मैं आपके लिए पढ़कर सुना दूँ आसान भाषा में, ताकि आप समझ पाएं कि इस आदेश के मायने क्या हैं। आदेश ये कहता है 9 तारीख यानी कि आज की ही डेट पर ये आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग महान मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक 100 के आधार पर पटवारी के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर ने यह परीक्षा आयोजित की और उसके बाद वरीयता सूची के आधार पर मुंगेली जिले में पटवारी के रिक्त 5 पद, टोटल वहां पर 5 पोस्ट थे, इसकी पूर्ति के लिए वर्गवार मेरिट क्रम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को 1 जनवरी 2023 से प्रारंभ प्रशिक्षण सत्र में पटवारी शाला में प्रशिक्षण हेतु पटवारी शाला बिलासपुर में, ये मुंगेली के जो कैंडिडेट्स होंगे वो पटवारी शाला बिलासपुर में ट्रेनिंग लेंगे। इसके लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं प्रतीक्षा सूची इस प्रकार है। तो ये जो पूरी सूची है वो मैं आपके लिए दिखा देता हूँ। अनारक्षित वर्ग में जो मुक्त वर्ग है उस पर चयन सूची में 2 नाम हैं, मनीष साहू और टीकाराम। ये दोनों हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग के, लेकिन इनका जो नाम है वो इस सूची में है, अनारक्षित वर्ग मुक्त। मेरिट रैंक 1 और 2 है, दोनों पुरुष हैं। फिर प्रतीक्षा सूची बनाई गई इसी में, जिसमें हिपेंद्र सिंह छत्री, विवेक कुमार साहू, दानेश्वर प्रसाद साहू और चंद्रहास साहू, ये 4 नाम और हैं, इसके आधार पर प्रतीक्षा सूची बनाई गई है। फिर उसके बाद हम बात करें अगर अन्य पिछड़ा वर्ग के, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में विशाल देवांगन 1 नाम है और उसके बाद इसकी प्रतीक्षा सूची बनी है जिसमें 2 नाम दिख रहे हैं मुझे, विवेक कुमार साहू और दानेश्वर प्रसाद साहू। आगे बढ़ूं अगर मैं तो इसमें आपको मिलेगा अनुसूचित जनजाति मुक्त, इसमें 1 नाम है सुरेश और उसके बाद 2 इसमें आपको प्रतीक्षा सूची में नाम मिलेंगे, दुष्यंत कुमार ध्रुव और शीतल सिंह ठाकुर। अनुसूचित जाति मुक्त में आपको 1 नाम मिलेगा रोबिन बर्मन और प्रतीक्षा सूची में 2 नाम है सुरेंद्र सिंह बंजारे और मनीष कुमार। तो कुल मिलाकर के सूची यहाँ पर पूरी हो जाती है, जो 5 पदों की चयन सूची है उसके साथ में जो प्रतीक्षा सूची वर्गवार है वो पूरा मैंने आपको दिखा दिया, पढ़ के भी बता दिया। और अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो आप इसको पॉज करके भी समझ सकते हैं, या पूरी की पूरी PDF आप आसानी से इसमें पढ़ पाएंगे। इस आदेश के साथ कुछ बातें इन्होंने लिखी है जो अन्य विभागों को इन्होंने सूचना दी है, उन विभागों के नाम दिए गए हैं। एक तो पर्सनल लेवल पर जिसका सिलेक्शन हुआ है उसको ये सूची भेजी गई है, उसके अलावा ये कुछ और नाम हैं 1 से लेकर के 6 तक, आप इनको देख सकते हैं कि कहां कहां पर ये सूची आपको मिल जाएगी अगर आप देखना चाहें तो। तो मित्रों ये थी कुल मिलाकर के एक सूचना जो पटवारी चयन प्रशिक्षण के लिए मुंगेली ने जारी किया है। इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हम आपसे मुलाकात करते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात का वादा लेते हुए आज यहीं तक, फिर आपसे मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।